हाल ही में आप लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में, या फिर विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट के बारे में। याद रखिए, ये फ्रीडम हाउस है, अमेरिका की कोई संस्था है, उसके द्वारा निकाली जाती है। इसमें भारत को एक तरह स्वतंत्रता के मामले में कम कर आंक कर बताया गया है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता कम है। और आप भी जानते होंगे कि आपको संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप खुद अपने आप में सोचिए कि कितने लोग इन मौलिक अधिकारों का फायदा उठाते हैं, इनका फायदा कितने लोगों को मिलता है। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी। और दूसरा तरीका होता है आपकी आर्टिकल 226, जिसके तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि कोई ज्यादा जाता भी नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप अभी सरकार के खिलाफ कुछ बोल के देखिए, आपके अधिकारों का हनन होने लगेगा। और इस समय आप लोग देख भी रहे होंगे, किसान आंदोलन को देखा है आप लोगों ने। तो ये हमारे लिए, आप समझिए कि अगर हकीकत की बात कही जाए तो आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का क्या हाल है, लोकतंत्र का क्या हाल है। लेकिन आप लोग कर रहे हैं तैयारी किसी एग्जाम की, तो आप समझते हैं कि बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना पड़ता है या बड़ा बैलेंस बनाकर सोचना पड़ता है इसके बारे में। तो देखिए, हकीकत कुछ भी हो लेकिन आपको बैलेंस बनाकर लिखना होगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट भी लिखने होंगे, नेगेटिव पॉइंट भी लिखने होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कांग्रेस पार्टी की द्वारा कोई आर्टिकल लिखा जाता है या उनके कोई किसी लीडर के द्वारा, तो आप समझते होंगे कि वो लोग इस गवर्नमेंट की पूरी एक तरह से बुराइयां बुराइयां करते रहते हैं, अच्छाइयां नहीं बताई जाती हैं। और जब आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के किसी लीडर के द्वारा कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो कांग्रेस को बुराइयां बताई जाती हैं, नकार दिया जाता है। तो आप लोगों के पास एक स्मार्ट गिरी होती है कि आप लोगों को वही पॉइंट निकालना है जो बैलेंस बनाते हो, समझ रहे हैं आप लोग। आप लोगों से कोई पूछे कि मोदी के दो चार काम बताइए जो अच्छे हो, तो ऐसा नहीं कि आप लोग एक तरह से कह दें कि मोदी साहब ने कोई काम अच्छा काम नहीं किया है। आप लोगों ने देखा है कि स्वच्छता अभियान की बात कर लीजिए, या फिर आपने देखा है कि जनधन खाते की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। तो ना तो आप लोगों को किसी का भक्त बन जाना है, समझ रहे हैं आप लोगों को ये, क्योंकि भक्त बन जाते हैं हम जब भी किसी का, तो हमें उसके अंदर की बुराइयां दिखना बंद हो जाती हैं। फिलहाल आप लोग इतने तो समझदार होंगे। चलिए, इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। और याद रखिए, इस तरह की कोई रिपोर्ट निकलती है तो वो कौन सी संस्था निकालती है उस संस्था के बारे में भी पॉइंट याद रख लिया करिएगा। और भारत की स्थिति उस रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्ट। और आप देखते होंगे कि इंडेक्स निकलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक में आप लोग देखते रहते होंगे, इसमें भी भारत की कोई स्थिति अच्छी नहीं है। और याद रखिए, वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा निकाला जाता है। और फिर आप देखते होंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात कर लीजिए सूचकांक की, तो इसमें भी भारत की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। फिर चाहे आप लोग विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात कर लीजिए, इसमें भी हमारी अच्छी स्थिति कोई अच्छी खास अच्छी नहीं है। और ये निकाला जाता है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें हम लोग, तो इसकी में भी हमारी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। 2020 की अगर बात करें तो 53 नंबर पर है 167 देशों में, ठीक है। और ये निकाला जाता है आपका द इकोनॉमिक्स मिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, इसमें भी भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में दर्शाया गया है। ये सभी इंडेक्स इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके भारत की स्थिति कहाँ है, हमारे भारत की, समझ रहे हैं आप लोग। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे आप लोग गोला भी कह देते हैं। एशिया में आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत। तो इसी की आज रिपोर्ट में आप लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा ही देखेंगे। और एक बात और याद रखिए, अभी लॉकडाउन में मैं रामायण देख रहा था,
तो उसमें एक कुंभकर्ण रावण से बड़ी अच्छी बात करता है कि आंख बंद कर लेने से सूर अस्त मतलब सूर नहीं खत्म हो जाता है, सूर भगवान है ना, जो समझ रहे हैं आप लोग, तो जो हकीकत है आजकल आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी कि सरकार के खिलाफ अगर आप दो शब्द बोल देते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। और आप लोगों ने दिशा रवि के मामले में देखा होगा, कई मामले आप लोगों ने देखे हैं कि फिर आपके जो न्यायालय है उसने उन्हें बरी भी किया हुआ है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जो भी डेमोक्रेसी हो या इस पर कुछ ना कुछ गिरावट तो देखने को मिलेगी, हमारी स्वतंत्रता पर कुछ गिरावट तो देखने को मिलेगी। यही तो आंकड़े होते हैं, इन्हीं आंकड़ों को तो इकट्ठा करके एक तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पड़ोसियों की बात करें तो आप जानते हैं पाकिस्तान से भी हमारी सीमा लगती है, अफगानिस्तान, ऊपर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे श्रीलंका, ठीक है, ये हमारे सभी पड़ोसी हैं। और आप जानते हैं नई दिल्ली आपकी राजधानी है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है, यानी कि गिरावट देखी गई है। पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहां पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है। दुनिया के सबसे मुक्त और स्वतंत्र देशों में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन शामिल है, जबकि तिब्बत और सीरिया ऐसे देशों में हैं कि सबसे नीचे इनकी गिरावट है, नीचे से टॉप आपके ये कर रहे हैं तिब्बत और सीरिया। अगर ऊपर से टॉप की बात करें तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। और याद रखिए अधिकतर जो इंडेक्स निकलते हैं इनमें आपके यही देश टॉप करते हैं, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है, यही रहते हैं ऊपर। यहाँ आपके कुछ पॉइंट दिया गया है, मतलब एक चित्र के द्वारा समझाया गया है। इसमें आप देखेंगे ये है स्कोर आपका इंडिया का, हमारे 2000 एक तरह से 2020 का इसमें 71 था हमारा स्कोर, ठीक है, और अभी 2021 में कितना है, 21 में है हमारा 67, यानी कि गिरावट देखी गई है, ठीक है। और भी बाकी देशों का है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसियों का है। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। यह रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है और वर्ष 1941 से कार्यरत इस संस्था का वित्त पोषण अमेरिकी सरकार के अनुदान से किया जाता है। देखिए आप भी जानते हैं कि मान लीजिए, ये भी मान लीजिए कि अमेरिकी संस्था है तो ये अमेरिका सरकार जो भी कहेगी उसमें बड़ा चढ़ाकर भी दिखा सकती है, और मान लीजिए कि दिखाया भी है, फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी संस्था को छोड़िए आप लोग, यहाँ आप लोगों को सामने आपकी एक तरह से डेमोक्रेसी पर धब्बा लग रहा है, तब आप लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा हमारी बुराई करे या ना करे, जब हमारे अंदर बुराई है तो उसे छुपा थोड़ी सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं आप लोग, हमें खुद मालूम चल जाना चाहिए, वो हमें सुधार करने की कर लेना चाहिए। देखिए इमरजेंसी जब लगाई गई थी इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय मीडिया को जितने अधिकार नहीं थे, जितनी स्वतंत्र मीडिया नहीं थी, आज उतने अधिकार, उतनी तकनीक है मीडिया के पास। आप देख रहे हैं कि आप सभी के पास सोशल मीडिया एक तरह से है, सोशल साइट्स का उपयोग कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई दबाता है तो आप लोग तुरंत ट्वीट कर देते हैं या फिर पोस्ट कर देते हैं कहीं अपना। उस समय 1975-77 के बीच की स्थिति अलग थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मीडिया किस तरह से, मीडिया को सच दिखाने का टाइम ही नहीं है, तभी तो आप देख रहे हैं कि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी साख पर भी धब्बे लग रहे हैं, वो भी गिरावट की ओर जा रहा है। आप लोगों को बताया ना कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2020 की, यानी कि 2020 की, तो इसमें भारत की स्थिति आपको पता है 180 देशों में 142वें नंबर पर है भारत, यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक क्लास में 180 बच्चे बैठे हुए हैं और मान लीजिए कि उसमें मैं भी हूं तो मेरा नंबर 142वें नंबर पर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति कितनी बुरी है। तो यही हाल है। आगे है रिपोर्ट में प्राप्त स्कोर की अगर बात करें तो यह रिपोर्ट मुख्य तौर पर राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर आधारित है, और आप सभी जानते हैं कि नागरिक अधिकार कितने मिल रहे हैं हमारे यहाँ। राजनीतिक अधिकारों के तहत चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद और भागीदार तथा सरकारी कामकाज जैसे संकेतक इसमें शामिल है।
जबकि नागरिक स्वतंत्रता के तहत अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता, समृद्ध एवं संगठनात्मक अधिकार, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व व्यक्तिगत अधिकारों आदि संकेतकों को शामिल किया गया है। इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इन्हीं संकेतकों के आधार पर देशों को स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र या फिर स्वतंत्र नहीं घोषित किया जाता है। और भारत को क्या घोषित किया गया है? आंशिक रूप से स्वतंत्र। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत को रिपोर्ट में 67 100 में से 67 स्कोर प्राप्त हुआ है इस बार, जो पिछले साल इसमें 71 स्कोर मिला था 100 में से। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से 67 स्कोर मिल रहा है आपको। ठीक है, पिछले वर्ष भारत स्वतंत्र श्रेणी में शामिल था, जबकि इस वर्ष भारत की स्थिति में गिरावट करते हुए इसे आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत की स्थिति में गिरावट के अगर हम कारण की बात करें तो मीडिया की स्वतंत्रता कि आखिर इतना गिरावट क्यों हुई है, किन कारणों से गिरावट हुई है, तो इसमें याद रखिए मीडिया की स्वतंत्रता पर की बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों में नाटकीय रूप से वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के वर्षों में रिपोर्टिंग काफी कम महत्वाकांक्षी बन गई है। आलोचनात्मक मीडिया की आवाज को दबाने के लिए सुरक्षा निकायों, मानहानि, देशद्रोह और अवमानना जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा किसान आंदोलन के द्वारा कुछ मीडिया कर्मियों पर भी देशद्रोह का चार्ज लगाए गए, देखा होगा। ठीक है, दूसरा आया इसमें कारण हिंदू राष्ट्रवादी हितों में उभार। रिपोर्ट की माने तो भारत एक वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में अपनी पहचान खोता जा रहा है और समावेशी एवं सभी के लिए समान अधिकारों जैसे बुनियादी मूल्यों की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों में उभार देखा जा रहा है। फिर आपका इंटरनेट स्वतंत्रता, कश्मीर में और दिल्ली की सीमा पर इंटरनेट शटडाउन के कारण इस वर्ष इंटरनेट स्वतंत्रता का विषय काफी महत्वपूर्ण रहा है। इंटरनेट स्वतंत्रता के चलते भारत का स्कोर गिरकर 51 पर पहुंच गया है। एक बात और मैं बताऊं आपको, देखिए इंटरनेट शटडाउन करना अच्छी बात है, अगर कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं तो कर देना चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि अगर कहीं आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को दबाने के लिए या वहां की खबर बाहर ना आ पाए इस बात को दबाने के लिए अगर इस तरह के कानून, इस तरह की बात की जाती है तो ये गलत होता है, समझ रहे हैं आप लोग। और याद रखिए मैं शायद अभी जो रिपोर्ट निकली है उसी उन्हीं के आधारों पर बोल रहा हूं, और अगर मेरी देखिए ये पर्सनल कह सकते हैं कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोला है कि एक तरह से ये सभी कारण हो सकते हैं इस रिपोर्ट में हमारे गिरने की, स्वतंत्र होने की। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कभी भी आंसर लिखते हैं आप लोग तो बड़ा बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा, मैं कुछ भी बोल रहा हूं इस पर ध्यान देने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती है। ठीक है, वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया, तो आपने कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया के दौरान भारत समेत वैश्विक स्तर पर कई स्थानों पर लॉकडाउन जैसे उपाय अपनाए गए, जिसके कारण भारत में व्यापक स्तर पर लाखों प्रवासी श्रमिकों को अनियोजित और खतरनाक तरीके से आंतरिक विस्थापन करना पड़ा। और आपने देखा है कि कितनी दहलाने वाली कई तस्वीर आपको लॉकडाउन के दौरान दिखाई दी है कि मजदूरों का क्या हाल हो रहा है। तब भी आप सोचिए क्या हमारी डेमोक्रेसी या स्वतंत्रता की जो भी रिपोर्टें आती है उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने एक तस्वीर भी देखी होगी कि एक महिला ने, आपने सुना होगा कि जाते हुए चलते हुए मतलब वो प्रवासी कहीं रहती थी, अपने घर से कहीं और रहती थी, तो उसने बच्चे को जन्म दिया रास्ते में और फिर उठ के चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि आपने सुना भी होगा कि एक महिला को बच्चे को जन्म देना उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए इतनी पीड़ा होती है एक तरह से। और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरह की एक तरह से त्रासदी सी झेली है। लॉकडाउन लगाना अच्छी बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इससे पहले इन सभी लोगों को अगर अपने अपने स्थान पर भेज देते, उसके बाद आप कितना भी लंबा अगर आप समझिए लॉकडाउन लगा देते तो जनता जेल जाती इसे, लेकिन आपने देखा है कि कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में महामारी के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों को वायरस के प्रसार के लिए अनुचित तरीके से दोषी ठहराया गया और कई बार उन्हें अनियंत्रित भीड़ के हमलों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बात की जा रही है मुस्लिमों की। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों को इसमें जरिया बनाया गया था। ठीक है, तो इस कारण भी एक तरह से गिरावट की बात की जा रही है।
अब आप लोग कई इसमें देखिए सहमत भी होंगे, कई असहमत होंगे, तो अपना अपना देखिए व्यू है, ये अलग बात कोई, ठीक। फिर आपने देखा होगा प्रदर्शनकर्ताओं पर कार्रवाई। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अनुचित कार्रवाई की गई और इस प्रदर्शन के विरोध बोलने वाले दर्जनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आपका कानून, तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अंतर्विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने से संबंधित कानून को भी स्वतंत्रता पर एक गंभीर खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुझे लगता है कि अगर आप सरकार के कुछ ज्यादा ही पक्षधर होंगे या फिर आप कह सकते हैं कि भक्त होंगे, तो आप लोगों को बड़ा वो लगा होगा, निगेटिव पॉइंट देखे होंगे इसमें। लेकिन याद रखिए, रिपोर्ट इस तरह की जो भी आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स हो या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो, ये इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। या तो आप बिल्कुल नकार सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं अगर आपको बुरा लगता है, आप बुराई नहीं सुन सकते हैं किसी गवर्नमेंट की, तो आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल, मतलब इन पर ध्यान भी देने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन देखिए, जो हकीकत है उसे हकीकत बना रहेगा, उसमें कोई दोहराया नहीं है। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे, कई तो यही सोच रहे होंगे कि पूरी तरह से निगेटिव पॉइंट दिखाए जा रहे हैं सरकार के। मुझे लगता है कि सरकार के इसमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट बनाई जा रही है वो किसी और दिशा में बनाई जा रही है। चलिए, खैर, आप लोग इस रिपोर्ट को बस याद रख सकते हैं, इससे कौन जारी करता है और इसमें भारत की स्थिति क्या है, और इस पर क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं तो आप लोग बड़े अच्छी तरह से लिख देना, लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में बस यही पॉइंट है आपके।